हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई होप बच्चों आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही हो, अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। देखो, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक तरीके से जान है। वो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को, जीओसी या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कुछ भी बोलिए। ये आपका हर वार्ड पे यूज होता है, जब जो भी आप रिएक्शंस को पढ़ेंगे, उन रिएक्शंस में जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर जो भी जिस तरीके से आप प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, उसमें जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, दैट विल बी कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन क्या बनना चाहिए, वो सब डिसाइड होता है इस फैक्ट से कि कौन से इफेक्ट वहां लगने वाले हैं। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। मीन्स में भी इससे क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाता है, या तो एसिडिक स्ट्रेंथ पर या बेसिक स्ट्रेंथ पर, या फिर वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन रिमेंबरिंग रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछते हैं, तो काफी सारे क्वेश्चन इससे पिक होते हैं हर साल। तो रिमेम्बर इट कि लास्ट तक आप चेक करते रहे इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं जीओसी की। देखो, जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है परमानेंट इफेक्ट, एक होता है आपका टेम्पररी इफेक्ट। क्लियर? दूसरा होता है आपका बस टेम्पररी इफेक्ट। तो समझे, परमानेंट इफेक्ट्स क्या होती है बेटा? देखो, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है हम है जैसे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उन पर कौन से इफेक्ट लगने वाले हैं। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट वो होते हैं जो उनके पेरेंट्स, मतलब के पेरेंट्स या यू नो पी, दैट इज परमानेंट इफेक्ट, मतलब वो हमेशा लगते ही रहेंगे, विद इन द मॉलिक्यूल ही लगते रहते हैं, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट की, वो परमानेंट ही लगेंगे, वो हमेशा बोलते ही रहेंगे पढ़ो 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 पढ़ो, तो वो होते हैं आपके परमानेंट इफेक्ट। वो तो परमानेंट इफेक्ट में कौन से तीन है हमारे पास? एक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, और थर्ड है आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट की बात कर लेते हैं। टेम्पररी इफेक्ट क्या होते हैं? टेम्पररी इफेक्ट होते हैं हमारे रिलेटिव्स, जो सिर्फ आते हैं, इफेक्ट लगाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं और चले जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड टेम्पररी इफेक्ट्स। इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट बिकॉज कि टेम्पररी है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट लगते हैं, मतलब ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल रिएजेंट, सिंपल सी बात है, रिलेटिव घर नहीं आएंगे तो एक्सटर्नल रिएजेंट नहीं होगा। ये होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स, ये विद इन द मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर देयर इज नो एक्सटर्नल रिएजेंट, नो एक्सटर्नल रिएजेंट रिक्वायर्ड, कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट इस पर रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। क्लियर है? ध्यान रखें, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव आपका विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ, विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू लगता है बेटा। मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम रेजोनेंस भी बोलते हैं या रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। लास्ट होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा बोथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा एंड पाई। ये तो हुआ इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ध्यान रखें, इंडक्टिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। मेसोमेरिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से होगा, कोई भी ग्रुप अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है दैट विल बी माइनस एम, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम में दैट विल बी प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप, इसी तरीके से बोलते हैं। इसी तरीके से सबको क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेटा किस तरीके से? इंडक्टिव दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइनस आई इफेक्टिंग, ये ग्रुप्स की बात की है, ग्रुप्स होते हैं वैसे माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स, और दूसरा होता है आपका प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। क्लियर? मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो मेसोमेरिक भी इसी तरीके से दो टाइप के होते हैं, एक प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप और एक माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप। हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो तरीके के होते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना होता है दैट विल बी प्लस आई एच इफेक्टिंग ग्रुप, माइनस एच हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हम पढ़ाएंगे, जरूरत ही नहीं है इसकी हमें, तो इसको हम रिक्वायरमेंट में नहीं लेंगे क्योंकि पहले मेन टॉपिक को ही कवर कर लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी। ठीक है, इन्हीं इफेक्ट्स के थ्रू, ध्यान रखिए इन्हीं इफेक्ट्स के थ्रू मैं स्टेबिलिटी को डिसाइड करूंगा कार्बोकेटाइन की, जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल। तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का मैं डायरेक्टली यहां पर ऑर्डर बताने वाला हूं किस तरीके से आप स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। तो देखिए पहले स्टार्ट देखते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस तरीके से आने वाला है, वो चेक कर लेते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात की है तो सबसे पहले हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब कि कार्बोकेटाइन पर ये दे रखा है। ठीक है,
कार्बो कैटाइन पे कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो देखो स्टेबिलिटी किसी भी चार्ज की, या नेगेटिव हो चाहे या पॉजिटिव हो, उस चार्ज को वहां से कम करना, मतलब डिस्पर्जन ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। क्लियर है? जितना मोर द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कम करना। पॉजिटिव को कम कैसे कर सकते हो? आप उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करें, ठीक है? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग वाले कौन से ग्रुप होंगे? जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे दैट विल बी प्लस, यानी कि आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम प्लस एच। क्लियर? जो भी पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव को बढ़ाएंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप दैट विल माइनस एम माइनस एम ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिख लीजिए, रिलीजिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन में इसी तरीके से डिसाइड करूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन आयन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन आयन कैसा चार्ज होगा बेटा? इस पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन आयन के लिए नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, दैट मींस नेगेटिव चार्ज है इससे चार्ज खींच रहा है तभी डिस्पर्जन होगा, मतलब कम से कम चार्ज होगा। तो माइनस एम या माइनस आई इसके सपोर्ट में आएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई प्लस एच प्लस एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है? एक और होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट में आपका फ्री रेडिकल भी बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी हम कंपेयर करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम होती है जैसे कि आपकी कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी होती है, जस्ट बिकॉज इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने पास। जब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन? देने वाले ग्रुप होने चाहिए, दैट इज प्लस आई प्लस एम या फिर प्लस एच इफेक्टिव ग्रुप्स होने चाहिए। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एम और माइनस आई। क्लियर है बच्चों? देखो यहां पर हमने चेक कर लिया प्लस आई प्लस एम प्लस एच, यहां पर भी सेम ही, मतलब मैं दोनों को सेम तरीके से कंपेयर कर पाऊंगा, ठीक है? ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं कि इन फैक्टर्स को कैसे हम क्वेश्चंस में पिक करने वाले हैं। तो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाला हूं। ध्यान रखें इसी तरीके से हमने एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को भी कंपेयर किया था, मैं वीडियो उस पर डाल चुका हूं ऑलरेडी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, आप उस पर चेक कर सकते हैं, ओके? अब मैं यहां पर कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी की बात करने वाला हूं, तो चलिए कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन करने वाले हैं हम यहां पर, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन इज पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्रोलीन इज रिटन एज इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये ज्यादा ऑप्शन CH2 पर चार्ज दे रखा है नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH, ये C डबल बॉन्ड को और ये H। बी ऑप्शन दे रखा है आपको CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहां डबल बॉन्ड O, यहां पर भी एच होगा, यहां एच, यहां नेगेटिव और इस पर आया है भाई पॉजिटिव का चार्ज। सी ऑप्शन दे रखा है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, यहां पर एच, इस पर चार्ज दे रखा है आपको बेटा नेगेटिव का, इस पर चार्ज दे रखा है पॉजिटिव का। डी ऑप्शन दे रखा है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O H, इस पर चार्ज रखा है नेगेटिव का, इस पर चार्ज रखा है आपको पॉजिटिव का। बिल्कुल इसी तरीके से आपको चार्जेस गिने हैं। देखिए ये आपको चार स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, आपको बताना है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि सिर्फ आपको पोलरिटी बतानी है एक्रोलीन पर, ध्यान रखें एक्रोलीन पर। अब पहले तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्रोलीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एक्रोलीन या फिर एक्राइलएल्डिहाइड, एक्राइल एल्डिहाइड ये सेम ही बात होती है, एक्राइल एल्डिहाइड मतलब एक्राइल लगाते हैं बेटा विनाइल के लिए,
ठीक है, विनाइल ग्रुप के लिए। विनाइल ग्रुप कैसा होता है आपका, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और एल्डिहाइड हम लगाते हैं इस तरीके से डबल बॉन्ड एच, इसी पर ही इस तरीके से हम ग्रुप को लगा सकते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कंफ्यूज होने की पहले तो जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, हमें वैसे भी पता चल जाएगा अगर हमें स्ट्रक्चर याद नहीं हो तब भी। क्लियर, पहले तो यही चेक करना चाहिए, ऑप्शन को हमेशा एलिमिनेट करें। उसके बाद अब मैं यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सोचूं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनेगा वो समझें। ये यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, तो ये पाई कॉन्जुगेटेड विद किसके साथ होगा बेटा, पाई, पाई सिग्मा पाई है, यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका मतलब शिफ्टिंग और पाई बॉन्ड किस तरफ होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी, तो ये शिफ्ट होगा इधर की तरफ, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर की तरफ। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पोलराइजेशन दिखाया हुआ है सारे स्ट्रक्चर्स में, आपको सोचो बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं किया है, सिर्फ पोलराइजेशन दिखाया हुआ है, तो पोलराइजेशन के लिए सेम दिख रहा है मुझे, इस कार्बन पर कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव का चार्ज आना चाहिए, और इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आना चाहिए बेटा, नेगेटिव का चार्ज आना चाहिए। तो ये रहा मेरा आंसर दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है यहां पर पॉजिटिव है तो ये गलत है, यहां पर नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है तो ये गलत है, यहां पर नेगेटिव है और बाकी पॉजिटिव दे ही रखा है, नेट चार्ज जीरो नहीं हो रखा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, डी विल बी द आंसर। ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, मींस में आता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, आपको चार स्ट्रक्चर दे रखे। देखो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बहुत बार आ चुके हैं, तो आप इसको ढंग से समझिएगा। बच्चों को जनरली कंफ्यूजन रहती है कि सर लीस्ट स्टेबल पूछा है, या फिर हमको कभी कभी ये पूछना है कि विच वन इज मोर लेस रिजेंबल टू द अदर स्ट्रक्चर, कौन सा वाला रिजेंबल ही नहीं खा रहा है, कौन सा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, मैं काफी सारे क्वेश्चन अभी पिक भी करूंगा, पहले इसको चेक कर रहे थे। लीस्ट स्टेबल आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है बच्चों, तो लीस्ट स्टेबल के लिए देखो आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि सबका अलाइनमेंट, मतलब जो अरेंजमेंट है एक तरीके से सबका सेम ही है, तो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ पाई बॉन्ड्स के हुए, ठीक है, पाई बॉन्ड्स यहां पर या फिर यहां पर या फिर यहां पर, जो ब्रेक हुआ है वो भी पाई बॉन्ड है, या शिफ्टिंग हुई है वो भी पाई बॉन्ड की, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर एक ही जैसा होगा, बस हमें चेक करना है कि पाई बॉन्ड सही से ब्रेक हुआ है कि नहीं, या चार्जेस जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर मैं चारों स्ट्रक्चर्स को चेक करूं तो डी वाले में नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है बेटा, सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा आपका, मोस्ट स्टेबल है। ध्यान रखें ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है आपका। स्ट्रक्चर थोड़ा सा और रिजेंबल करवा देंगे, उसको किस चेक कर लेते पहले ये देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर एक पॉजिटिव, यहां पर डबल बॉन्ड हो सकता है क्योंकि यहां पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां भी डबल बॉन्ड हो सकता है, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां भी, मतलब ये तीनों सिमिलर स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर्स हैं। अब आपको चेक करना चाहिए कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बन सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मैं एक यहां पर इमेजिनरी बॉन्ड क्रिएट कर देता हूं, क्रिएट है नहीं लेकिन मैंने क्रिएट कर दिया है जिसकी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर हो जाएंगे सब में, तो देखो ये क्रिएट हो गया, अगर यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा और ये भी इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इधर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा, यानी कि ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। इसमें चेक करें पॉजिटिव का चार्ज अगर यहां है, पॉजिटिव का चार्ज यहां है और इससे भी रेजोनेंस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये भी सही है कि भाई इस कार्बन पर चार्ज कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, इस कार्बन पे चार्ज कैसा दिया उसने, नेगेटिव दिया, यानी कि ये रिजेंबल एक तरीके से खा सकता है अगर उस बॉन्ड को तोड़ा जाए तो। क्लियर है, अगर उस बॉन्ड को तोड़ा जाए तो मैं ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर फिर भी क्रिएट कर सकता हूं, यही जरूरी है। इसमें देखो इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव एक तो बगल में आ गए, वो एक तो लीस्ट स्टेबल है, बहुत ही ज्यादा लीस्ट स्टेबल है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो बॉन्ड ब्रेक किया है उन्होंने इस तरीके से ब्रेक किया कि ये पॉजिटिव चाहेगा कि भाई ये पाई बॉन्ड हमारी तरफ आ जाए और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो अपना पाई बॉन्ड छोड़ेगा नहीं, क्यों भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ तो फायदा होना चाहिए उसको, तो वो उसको इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमें दिख रहा है कि चार्ज गलत तरीके से तोड़े हुए हैं, तो यानी कि ये कैसा है आपका, लीस्ट स्टेबल हुआ, तो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है,
मैं और क्वेश्चंस कराने वाला हूं इसी पर, तो चेक करिए थर्ड क्वेश्चन को। नाउ चेक करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन बच्चों। देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड आयन। सबसे पहले तो आपको पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड आयन का पता करना पड़ेगा, ये है। दूसरा फिर से वैसा ही एग्जांपल है, मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन पूछा है, मतलब कि लीस्ट स्टेबल ही पूछा है, या फिर उसके जैसा स्ट्रक्चर दिखता ही ना हो, ये भी आपका ये चेक करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। देखो आपका पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड आयन है, यानी कि पैरा पोजीशन पर नाइट्रो होना चाहिए, फिनॉल से आपका ऑक्साइड आयन बना, एच हटा के फिनोक्साइड बना, यानी कि जो पहला स्ट्रक्चर है आपका वो वही है, पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड आयन आपको ये दे रखा है, है कि नहीं? इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर NO2 और ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्रॉपर वे में दे रखे हैं इसी तरीके से। तो देखो ये तो स्ट्रक्चर है ही है इसका, तो इसका मतलब ये लीस्ट स्टेबल नहीं है, चारों ऑप्शंस चेक करने चाहिए। अगर मैं दूसरे वाले पे बात करूं तो इसका रेजोनेंस कराएंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो यही स्ट्रक्चर बनेगा, इसका मतलब ये इसका स्ट्रक्चर हैगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, तो ये भी सही है। इससे अगर हम सी ऑप्शन को चेक करें तो भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो, यहां पर टोटल हम बॉन्ड्स बना रखे हैं जो आपके नाइट्रोजन है, टोटल बॉन्ड्स नाइट्रोजन ने बना रखे कितने भाई, 5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है जो कि लुईस थ्योरी को प्रेफर करता है, मैक्सिमम बॉन्ड्स 4 बना सकता है, बना भाई 5 रहे हैं, तो ये तो भाई गड़बड़ हो रही है। तो ये ऑप्शन है आपका सही आंसर। कैसे? मोस्ट अनलाइकली पूछा हुआ है, अनलाइकली में ये इसका कभी नहीं दिखने वाला, तो यही है आपका मोस्ट अनलाइकली। 5 बॉन्ड है प्लस पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक तो वैसे ही कुछ नहीं है, ऊपर से आप उससे छीन भी ले गए हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होने वाला है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में के लिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, रेजोनेंस कराओगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो ये वाला केस है जब आप इस पर छोड़ देंगे नेगेटिव चार्ज को अकेला। क्लियर है? तो ये ऑप्शन भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पार्ट पर आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका क्या, सी। ओके, इसी तरीके से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर मैं पिक करने वाला हूं, तो वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको आप ढंग से अटेम्प्ट करें, मैं आपको फिर से बताने वाला हूं किस तरीके से आपको करना है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर 1-methoxy-1,3-butadiene दे रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द लीस्ट स्टेबल। फिर से आपको क्या पता करना है बेटा, लीस्ट स्टेबल पता करना है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल, J2005 का ही ये भी क्वेश्चन है। ध्यान रखें इस तरीके के क्वेश्चंस एडवांस में काफी बार आते हैं, मेंस में इनको पिक करना बहुत ही आसान है, तो ऐसे क्वेश्चंस मेंस में बहुत आसानी से पिक हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लीस्ट स्टेबल पूछा है, तो फिर से हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप देख लें, पहले तो आप इसी को ही देख लें, उससे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मैं चेक करता हूं नंबर ऑफ बॉन्ड्स के, तो देखो यहां पर एक पाई बॉन्ड कम है, यहां एक पाई बॉन्ड कम है, यहां दो पाई बॉन्ड है, यहां दो पाई बॉन्ड है, अगर मैं लिख देता हूं यहां पर दो पाई बॉन्ड्स है आपके पास, यहां दो पाई बॉन्ड्स है, यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एक है, यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एक है, तो इसमें पाई बॉन्ड की हो गई है कमी, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी इन दोनों की क्या होगी, ज्यादा होगी। स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, नेगेटिव यहां है, नेगेटिव यहां है, इसका मतलब नेगेटिव यहां से घुमा करके यहां ले आओगे तो ये बन जाएगा, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के पॉसिबल बन सकते हैं, तो इन दोनों को दूर कर दो, बचे इन दोनों को ले लेते हैं। अब इन दोनों को लेने के लिए हमें चेक करना चाहिए कि किसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की पॉसिबिलिटीज बनने वाली है। अगर देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें, ये तो हमें कंफर्म हो चुका है इसमें बॉन्ड की नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है वो इस कार्बन पर पॉसिबल है। अब आप सोचो इन दोनों में से इस पे पॉसिबल है या इस पे पॉसिबल है, तो इस पर पॉसिबल नेगेटिव इन्होंने पॉसिबल करके बताया है, इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज इन्होंने इस पर बना दिया है, जबकि पॉसिबल किस पर होना चाहिए था, इस पर होना चाहिए था, मतलब मैं ऑप्शन से ही इसको एलिमिनेट कर सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है इसके लिए कोई भी थ्योरी की या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट की, ऑप्शन से ही पता कर सकता हूं कि कौन सा बिल्कुल ऑड दिख रहा है बाकी सारे इवेंट्स में से। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यही आपका पॉजिटिव चार्ज यहां पर बनना है, या फिर मैं ये कहूं लोन पेयर और इसके नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होगा तो ये कैसा होगा, लीस्ट स्टेबल कंपाउंड आपका यही होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ध्यान रखें इसी तरीके से ही आपको कंपेयर करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, तो चलिए क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन प्योर फॉर्म
एंड आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। आपको पता करना है इन चारों मॉलिक्यूल्स में से कौन सा वाला रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होगा। देखो ऐसे कंपाउंड्स के लिए आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पता हो। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ना पता करके आप कॉन्सेप्ट को सोचो, सारे साइक्लिक कंपाउंड्स दिख रहे हैं, उसके बाद कॉन्जुगेटेड कुछ ना कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो मैं सोचूंगा इसके लिए कि मैंने पढ़ा है कि एरोमेटिसिटी आपके पार्ट पर कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो देखो पहले आपको एरोमेटिक कंपाउंड होने चाहिए, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ध्यान रखें नॉन एरोमेटिक, उसके बाद होते हैं कौन से बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आता है, वेयर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये होते हैं आपके अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ और कर लेते हैं, मतलब कुछ डाइमराइज कर लेंगे या फिर कहीं ना कहीं बॉन्ड दूसरे तरीके से बना लेंगे, पॉलीमर्स का फॉर्म बना लेंगे, ये कर सकते हैं, बाकी अनस्टेबल होंगे रूम टेम्परेचर पर। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए बेटा कंडीशन क्या होती है। 4π इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जैसे कि एरोमेटिक के लिए होती है 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसी तरीके से n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 4π इलेक्ट्रॉन्स का होगा 4n π इलेक्ट्रॉन, सॉरी। क्लियर? तो चेक करें इसमें देखो, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसमें देखो क्या कंप्लीट 4π इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ 4π इलेक्ट्रॉन्स है, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, नहीं इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा sp3, जो कॉन्जुगेशन का पार्ट हो रहा है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर हो रहा है, इनमें इस तरफ नहीं आएगा, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन ओवर द रिंग नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? ये हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें देखो 4π इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा, हाँ अगर रिंग में पूरे में पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यानी कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी बोल सकते हैं, मैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन बोल दे रहा हूं उसको, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड साइक्लिक है तो कैसा होगा, अब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, ध्यान रखें ये होगा आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो आंसर में पहले तो बी आ गया, मल्टीपल है तो आगे आपको और चेक करना चाहिए। नेक्स्ट सी ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यार इस केस के लिए कैसे आपको चेक करना चाहिए, जब आपका रिंग से पाई बॉन्ड बाहर की तरफ लगाओ या फिर बाहर किसी एटम से लगाओ, तो आप उस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए पाई बॉन्ड को, और उसके रेस्पेक्टिव उसी के रेस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग चार्जेस प्रोवाइड कर दीजिए। मान के चलो ये बॉन्ड टूटेगा तो बेचारा ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि भाई वो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव पूरा ही बना देते हैं। और कार्बन पर कैसे चार्ज आएगा, बेचो पॉजिटिव का, पॉजिटिव का चार्ज आ चुका है। अब आप चेक कर लीजिए कि चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, देन आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 4π इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस पॉजिटिव की वजह से कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा कि नहीं बच्चों, हाँ बिल्कुल इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा, या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन बोल दूं, सीधी लगा दूं इसकी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो ये कैसा कहलाएगा आपका, ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, ये भी अनस्टेबल होगा, तो इसको भी आंसर में लेंगे हम। क्लियर है? दो आंसर हमें मिल चुके हैं। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन ये है, सेम केस है तो फिर से पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ऊपर लगाइए नेगेटिव और यहां लगाइए पॉजिटिव चार्ज। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं हमें, 6π इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो प्लेनर भी है साइक्लिक भी है, तो ये कैसा कहलाएगा आपका, एरोमेटिक कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, ये स्टेबल होते हैं काफी, देखो दिख रहा होगा ये ट्रोपोलियम आयन जैसा कंपाउंड है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा याद होना चाहिए, ट्रोपोलियम आयन जैसा कंपाउंड है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से करना सीख लीजिए किस तरीके से किया है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की है, इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑब्वियस ही बात है हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यूज करते हैं, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, बेकर राथन इफेक्ट भी बोलते हैं। इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, आपको कार्बोकेटाइन दे रखा है, इंटीजर है तो वो ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, मींस के लिए भी इंटीजर अभी आ रहे हैं, तो कार्बोकेटाइन दे रखा है बच्चों आपको। कार्बोकेटाइन के बाद में आपको देखना होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अब देखो मैं बताता हूं, अल्फा हाइड्रोजन जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो भी आपका ग्रुप है या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, कार्बन है, उस
के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्लियर है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में कौन सा वाला बेटा, ये वाला कार्बन, दैट विल बी कॉल्ड अल्फा कार्बन। स्ट्रक्चर्स पूछा है तो दो कार्बन अल्फा, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके स्ट्रक्चर्स होंगे, क्लियर। इस पर कितने हैं अल्फा, ये भी है अल्फा, तो यहां पर कितने कार्बन हाइड्रोजन है, तीन, यहां पर कितने हैं दो। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये और ये वाला भी कार्बन कैसा होगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जीई में आया था, चेक कर लेते हैं अभी भी। दो यहां पर, तीन यहां पर, और यहां पर कितने हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन होने वाला है। तो टोटल काउंट कर लीजिए, थ्री और टू फाइव हो गया है। यहां पर कितना होगा ये ध्यान रखें, ये वाला बीटा होगा अल्फा नहीं होगा, थ्री टू फाइव, और यहां पर कितना है एक। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हमें कितने मिलने वाले हैं बच्चों, यहां पर सिक्स अल्फा हाइड्रोजन मिले हैं। तो टोटल सिक्स हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जी 2011 में आ चुका है ऑलरेडी, मेंस के लिए अभी तैयार हो सकता है, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कॉन्सेप्ट पर होगा जिसमें कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरानाइट्रोफिनोल आर ट्रीटेड विद NaHSO3, ये ध्यान रखें सोडियम बाइकार्बोनेट की बात की है मैंने, NaHSO3 द गैसेस रिलीज रेस्पेक्टिवली, ये पता करना है, ध्यान रखो ये भी यानी जेई का क्वेश्चन है 2006 में आ चुका है। इसको और ढंग से समझ लेते हैं क्योंकि ये टेस्ट की तरह से भी यूज होता है, इसके बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। चलिए सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेटा क्या होता है आपका, SO3H, और इसकी रिएक्शन कराई है आपने किससे, NaHCO3, ये है आपका NaOH प्लस H2CO3 का सॉल्ट। आपको पता ही है ये कार्बोनिक एसिड है, इसका सॉल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर है। इसको हटा देता हूं फिर भी मैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो अभी यही सही है। नेक्स्ट लिखे दूसरा कंपाउंड आपका है पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल इज दिस OH यहां पर है और NO2 यहां पर दे रखा है आपको, और इसकी रिएक्शन कराई है NaHCO3। देखिए वैसे तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को एज अ टेस्ट यूज करते हैं फॉर बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, फिनॉल के लिए और बेंजोइक एसिड के लिए NaHCO3 का टेस्ट यूज करते हैं, वेयर NaHCO3 रिएक्ट ओनली विद बेंजोइक एसिड नॉट विद फिनॉल, क्योंकि NaHCO3 या फिर मैं ये कहूं सोडियम बाइकार्बोनेट जो बनता है वो कार्बोनिक एसिड से बनेगा, एंड कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। मैं अभी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आगे समझा दूंगा, इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद का सॉल्ट बना देते हैं, ये समझना। फिर से दोबारा बोलता हूं, एक राजा है जो दूसरे राजा, छोटे राजा को या फिर जो भी यानी कमजोर राजा को हरा के उसकी रानियां हड़प लेता है और अपने रानियां बनाता है, इस तरीके से जैसे भी आप समझे, ठीक है, समझना। ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है आपका वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट में से उसको हटा देता है और खुद का सॉल्ट बनाता है, उसको ब्रेक कर देता है, सिंपल सी बात है। तो देखो इस केस के लिए SO2 NO2 SO2 NO SO2 CO2 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 जब भी सॉल्ट ब्रेक होगा वो ये वाला ब्रेक होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक दूसरी इसका सॉल्ट ब्रेक हो जाए या फिर SO3 वगैरह रिलीज हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आगे रिएक्शन बढ़ जाएगी, अगर ये आपका वीक एसिड है तो जो आगे बनेगा दैट विल बी क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में जाने वाली है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वो तभी पॉसिबल है जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और CO2 ही रिलीज होगी, वो भी इससे, हमेशा टेस्ट होगा तो CO2 इसी से ही रिलीज होगी, कहीं और से रिलीज हो ही नहीं सकती, CO2 ही रिलीज होगी, बाकी कोई ऐसे रिलीज नहीं हो सकती, होगी तो यहां से होगी, बाकी और कहीं से नहीं हो सकती। मैं आपको इसको और क्लैरिफाई कर दूंगा अभी कॉन्सेप्ट बता के। तो अभी यहां से जो बनने वाला है वो प्रोडक्ट होगा आपका क्या, यहां से ये H हटके नेगेटिव यहां लग जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस H2CO3 बन जाएगा, Na हटा दिया, H इसका इधर आ गया, जो कि ब्रेक हो जाता है CO2 प्लस H2O में, भाई ये CO2 का एसिड है, सिंपल सी बात है। तो CO2 रिलीज होती है, ब्रिस्क एफर्वेंस मिल सकती है इस तरीके से आपको, ये टेस्ट है, बहुत ही प्यारा टेस्ट है, ध्यान रखना। इसके लिए भी ये चीज कर देगा
तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, और यहां पर आएगा एनओ टू प्लस सीओ टू प्लस एच टू ओ यहां पर फिर से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सीओ टू एच टू सीओ टू यहां पर भी रिलीज हो जाएगी। अभी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से सीओ टू रिलीज हो रही है एनएचसीओ थ्री के इसमें। क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं थोड़ा सा एनएचसीओ थ्री के बारे में कि किस किस से रिएक्शन देता है, किस किस से रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं NHCO3 आपका टेस्ट की तरह यूज होता है फॉर बेंजोइक एसिड और फिनॉल के लिए। देखो अगर बेंजोइक एसिड दे रखा है आपको, मैं आपको बता देता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ पहले लगाता हूं, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है वो ध्यान रखते हैं। बॉम्ब लगा लेते हैं कहीं ना कहीं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ये आपको याद रहना चाहिए, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक होता है दैट विल बी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब कि ये आपका लगाया बेंजीन और यहां लगाया हमने SO3, तीन इक्वल एसिडिक स्ट्रक्चर्स की वजह से। इसके बाद आता है आपका दूसरा, इसके बाद आता है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल मतलब OH NO2, इसके बाद आता है बेटा H2CO3, इसके बाद आता है आपका सिंपल फिनॉल। देखो मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल लिख के भी काम चला सकता था, इसको लिख देता, इसको लिख देता, इसको और काफी OH को लिख देता तो काफी काम हो जाता, ठीक है। मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया था इसलिए इसको यहां लिख दिया है, बाकी और आप आगे ऑर्डर बनाना चाहें तो ROH भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, क्लियर है। मैंने आपको भी बताया अगर इसका सॉल्ट मिलेगा मुझे तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, इसीलिए हम इसको बेंजोइक एसिड और फिनॉल के टेस्ट के लिए यूज करते थे बच्चों। इसको अगर आप NaHCO3 से रिएक्शन कराएंगे, ध्यान रखें स्टार लगा देता हूं, एस्टिक लगा दिया है मैंने इस पर, जो भी CO2 रिलीज होगी वो हमेशा रिलीज होगी किससे, बाइकार्बोनेट से ही होगी, मतलब कि अगर इस पे होगा तो कार्बन 14 या फिर जो भी एस्टिक वाला है वो यही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा, इससे CO2 नहीं रिलीज होगी, उसका सॉल्ट बनेगा। इस पर अगर मैं बात करूं NaHCO3 बनेगा। अगर आप बायलावे रिएक्शन करा भी लेते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होगा कि रिएक्शन अपोजिट मूव करती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, यहां एसिड ये है यहां पर एसिड ये है और विच वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड H2CO3, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी, फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं होगी। ये टेस्ट है, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखें, इससे बीच में कभी भी रिएक्शन के बीच में या फिर आपको पैराग्राफ दे दे तो एक सब्जेक्टिव का टाइप में क्वेश्चंस को पिक कर सकता है वो, तो ये चीज ध्यान रखें, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी याद रखिएगा बच्चों। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक और एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पर, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है हमें, तीन दे रखे हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, एक ही कंपाउंड में दे रखे हैं, तीन ग्रुप्स दे रखे हैं आपको, उनमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। एक COH दे रखा है, दो NH3 हैं, ध्यान रखो तीनों के पास H है, मतलब H पॉजिटिव देने के बाद वो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात बताने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है, ये भी एडवांस पे आ चुका है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। COH की एसिडिक स्ट्रेंथ NH3 से ज्यादा होती है, वो बहुत ही सिंपल सी बात है, RCOH ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान भी रखना चाहिए RNH3 पॉजिटिव से, क्योंकि H हटाने के बाद CO नेगेटिव बनेगा, क्योंकि दो इक्वल रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन करेगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल, ये ज्यादा होता ही है, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में भी आप सोच सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कौन सा आपका COH, तो सबसे पहले मैं इसको लगा देता हूं बेटा, X की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा। अब बात आती है Z की और Y, Z और Y में क्या ज्यादा हो, तो देखो Z और Y के लिए अब इसका इफेक्ट लगेगा कहीं ना कहीं इन दोनों पर, और इसका COH का कौन सा इफेक्ट लगेगा बच्चों, COH का माइनस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो अकेला माइनस आई ही ऑपरेट कर पाएगा, तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा NH3Z वाले पर भी और NH3Y वाले पर भी, किस पर ज्यादा इफेक्ट होगा, और हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है तो इस पर पास में है तो Z पर क्या करेगा ज्यादा करेगा, जितना ज्यादा खींचेगा
उतना उस पे स्टडी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो एक्स के बाद क्या आएगा हमारा जेड, इस पर डिस्टेंस दूर है एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी, दैट विल बी वाई। क्लियर है? एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप चेक कर सकते हैं मेरे लास्ट वीडियो में, एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने वहां पर बताई है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई की, माइनस आई इस पर ज्यादा लगेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाई वाले से ज्यादा हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, आपको पहचानना है मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा है इन चारों में। देखो मैंने पहले भी कहा था आपको स्ट्रक्चर्स ना देके वो सिर्फ नाम दे सकता है, तो आपको स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, कुछ कॉमन नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं यहां पर बनाने वाला हूं। बेंजाइन अमीन की बात की है, तो बेंजाइन अमीन बेटा किस तरीके का होता है, बेंजीन पर आपका CH2 ग्रुप होगा और NH2, बेंजाइन और ये हो गया आपका एमीन। क्लियर है? एनिलीन बहुत ही सिंपल है, बेंजीन पर आपको कौन सा ग्रुप लगाना होता है, NH2 का ग्रुप लगाइए। एसिटा एनिलीन लिखा हुआ है, देखिए एसिटा ग्रुप को समझ लें, एसिटा ग्रुप होता है एनिलीन पहले आपको बनाना चाहिए ना, एनिलीन इज NH, ठीक है। एसिटा मैं आप बताता हूं, एसिटोन बोलते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड O होता है, एसिटाइल बोलते हैं, कभी कभी हम एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं, ऐसे सोचिए एसिटाइल क्लोराइड बोल देते हैं हम उसको, तो वो होता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, और इस ग्रुप को हटा दो तो ये दिस इज एसिटाइल या एसिटा बोलते हैं इसको, तो यहां पर लगाओ आप C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये हुआ आपका एसिटा एनिलीन। क्लियर है? ये ध्यान रखना कंपाउंड काफी अच्छा है। लास्ट है आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन किस तरीके से काम करेगा, पैरा पोजिशन पर NO2 लगाना है बस, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। अब आपको पूछा है मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा है, तो मैंने आपको इस पर बताया किस तरीके से है। देखो ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप है आपका एमाइड, आपको याद होगा ये एमाइड है और बेसिसिटी एलिफेटिक की सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एरोमेटिक की, फिर उसके बाद आता है आपका क्या एमाइड आता है, क्लियर है, एमाइड की सबसे लीस्ट बेसिक होती है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें इसकी, तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों एरोमेटिक एमीन्स दे रखे हैं, एरोमेटिक एमीन्स दे रखे हैं, तो इन दोनों की बेसिसिटी क्या होगी और कम हो जाएगी। ये कैसा है आपका, ये है आपका एलिफेटिक एमीन्स, तो दिस इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड, तो आंसर क्या आ गया ए। बट मैं यहां पर आपको ऑर्डर लगा के बताता हूं, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा ए की है, तो ए आ गया। देन इसके बाद अगर क्वेश्चन को अगर बढ़ाना है तो किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके बाद क्या आएगा, यहां पर कोई ग्रुप है क्या, यहां पर कोई ग्रुप है, हाँ कौन सा ग्रुप है, माइनस एम, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, माइनस एम माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, बेसिसिटी को क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो बी और डी में कौन सा ज्यादा होगा, बी वाला, उसके बाद डी वाला, देन उसके बाद होगा एमाइड। ध्यान रखें मैंने इन दोनों में कंपेयर किया, उसके बाद एमाइड, क्योंकि एमाइड तो कम होना ही है, ये रहा एमाइड लास्ट, तो सी इज द आंसर, ये है इसका पूरा ऑर्डर। ध्यान रखें कुछ क्वेश्चंस को आपको हमेशा ऐसे करना चाहिए, मेंस के हों चाहे एडवांस के हों, कुछ क्वेश्चंस को ऐसे देखें कि अगर वो ज्यादा क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं पैराग्राफ की बात करूं तो पैराग्राफ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आधा आधा करके, कभी कभी आते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। इसमें वीडियो लेक्चर में इतना ही, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बच्चों मैंने नेक्स्ट वीडियोस पहले से ही बना रखे हैं, तो आप उन चीजों को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, ऑर्थो इफेक्ट के लिए और SIR इफेक्ट सारे उसमें कवर किए हुए हैं, तो आप उनको वहां चेक कर सकते हैं। ध्यान रखें इसके साथ में एक PDF की लिंक भी भेजूंगा, जिससे कि आप उनके बेसिस पर क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस को कर पाओ, वो टेलीग्राम के ग्रुप पर उनको डिस्कस करता हूं मैं हमेशा, और उसका लिंक भी वहीं मिलेगा, PDF वहीं पर आपको मिलेगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, जरूर सब्सक्राइब करें यार, बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप ही की हेल्प होने वाली है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलना है और डाउट्स अपने पूछने हैं, ओके ठीक है, तो चलते हैं हम, थैंक यू।